इंटरनेट की दुनिया में मैं हमेशा कोरियन स्किन देख देख के अब ये सोचती हूँ कि इनकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोई, सॉफ्ट एंड ग्लास कैसे रहती है। तो मैंने इनकी कुछ रेमेडीज़ को फॉलो किया 5 डेज, तो क्या रिजल्ट मिला जानने के लिए वीडियो को एंड तक ना ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज फजीला अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक DIY रेड लेंटिल विथ राइस क्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, तो मेरी वो प्यारी प्यारी सिस्टर पूछ रही थी कि आप ही एक ऐसी क्रीम बता दीजिए कि रिजल्ट वाजे तौर पर नज़र आए उस क्रीम को अप्लाई करने के बाद। तो आज जो क्रीम मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, सच में उसका रिजल्ट इतना अमेजिंग है और वाजह तौर पर उसका रिजल्ट आप लोगों को नज़र आएगा। और इस वीडियो में मैंने ऑनेस्ट रिव्यू के साथ दिखाया है आप लोगों को। तो सच में फ्रेंड्स, ना ही मैंने कोई फिल्टर यूज़ किया है, ना ही मैंने कोई एडिटिंग वगैरह की है, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। सिंपल कैमरे से मैंने आज की वीडियो अपलोड की है। फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की वीडियो। अगर मेरी वो प्यारी प्यारी सिस्टर्स है जिनके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, वो अपनी स्किन को ब्राइट करना चाहती हैं, निखारना चाहती हैं, तो आज जो क्रीम और टोनर मैं लेकर आई हूँ वो आप लोगों के लिए द बेस्ट वर्क करने वाली है। तो चलिए, इस क्रीम और टोनर को मैंने किस तरह से बनाया है बताती हूँ। बट बताने से पहले आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे राइस टोनर, जिसे बनाने के लिए आपने लेना है चावल। तो मैंने घर पे बनाने वाले ही चावल ले लिए, तो इसे वॉश करके अच्छे से भिगो दिया और तकरीबन 3-4 घंटे के लिए मैंने इसे भिगो दिया था। अब मैं क्या करूँगी, आपने इसके पानी को किसी साफ बर्तन में निकाल लेना है। तो ये जी, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चावलों को पानी को अलग कर लिया है। चावलों का पानी आपकी स्किन के लिए द बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए, आपकी स्किन से फाइन लाइन्स, रिंकल्स वगैरह को दूर करने के लिए, आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए। और जी, अगर आप इसकी दुगनी ताकत चाहते हैं ना और जल्द अज जल्द रिजल्ट चाहते हैं, तो आपने क्या लेना है, एक फिटकरी का थोड़ा ले लेना है, ठीक हो गया। यह आपकी स्किन को टाइट करने में और डबल वर्क करेगा, ठीक हो गया। आपने फिटकरी का टुकड़ा डालकर इसमें तकरीबन 12 घंटे के लिए फ्रिज से रख देना है, ताकि ये फर्मेंटेड वाटर में तब्दील हो जाए, ठीक हो गया। तकरीबन 24 घंटे में आपका ये वाटर बनकर रेडी हो जाता है। तो मैंने 4-5 घंटे तो उसको वैसे ही भिगा दिए थे और फिर मैं 10-12 घंटे और रख दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये पानी बिल्कुल रेडी हो चुका है और फिटकरी इसमें बिल्कुल हल हो गई है। और आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, आपने जब भी इसे यूज़ करना है ना, इसे अच्छे से हिला लेना है। आप चाहो तो इसे किसी कॉटन की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी स्प्रे बोतल में डाल के इसे अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हो। फ्रेंड्स, सिर्फ 2-3 दफ़ा के ही इस्तेमाल से ना आपको अपनी स्किन में वाजह तौर पर फ़र्क दिखेगा। आप लोग मेरी इसमें, मैंने सिर्फ 2-3 दफ़ा ही इसे ट्राई किया था, लगाया था ना, तो मेरी आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ 2-3 दफ़ा के ही इस्तेमाल से इसका वाजे तौर पे आप लोग रिजल्ट खुद देख सकते हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट भी, कोई मेकअप नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई फिल्टर नहीं, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से बनाते हैं हम रेड लेंटिल और राइस की क्रीम। जिसे बनाने के लिए आपने एक एम्प्टी बाउल में 2 टेबल स्पून के करीब चावल लेना है, और 2 टेबल स्पून के करीब आपने लेना है लाल मसूर की दाल। आपने इन दोनों चीज़ों को लेके इसे रोज़ वाटर में अच्छे से डिप कर लेना है, ठीक हो गया। पहले आपने इसे नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, और फिर उसके बाद इसमें इतना रोज़ वाटर ऐड करना है कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से रोज़ वाटर में डिप हो जाएं। आप चाहें तो इसकी जगह पर नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपने इसे 3-4 घंटे के लिए भिगा कर रख देना है, और 3-4 घंटे के बाद आपकी दाल और चावल फूल कर कुछ इस तरह के हो जाएंगे। फिर आपने क्या लेना है, आपने लेना है एक पैन, और पैन में इन दोनों चीज़ों को डाल के आपने इसे हल्का सा कुक करना है, यानी कि पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल धीमी ही आँच पर आपने, बिल्कुल लाइट मीडियम आँच पर इसे पकाना है धीरे धीरे। और जब ये अच्छे से पक जाए कुछ इस तरह से, तब आपने इसे एक ग्राइंडर मशीन में डाल लेना है। ग्राइंडर मशीन में डालने के बाद
आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, बट मिल्क पाउडर होना चाहिए। आपने 1 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। और जी फिर इसके बाद आपने 1 लेमन का जूस इसमें ऐड कर देना है। और जो 1 लेमन से हमने जूस निकाला था उसके छिलकों को भी आपने इसमें ऐड करके पहले आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडर कर लेना है। फ्रेंड्स, ग्राइंडर करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्रीमी पेस्ट आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करें, आपने लेना है फ्रेंड्स ग्रेप्सीड ऑयल। ग्रेप्सीड ऑयल स्किन के लिए द बेस्ट है, आपकी स्किन को टाइट करने, आपके रिंकल्स फाइन लाइंस को दूर करने और आपकी पिगमेंटेशन वगैरह को दूर करने में, डार्क स्पॉट्स वगैरह को दूर करने में बहुत ही हेल्प करता है। आपने 1 टीस्पून के करीब ग्रेप्सीड ऑयल इसमें ऐड करना है। और जी इसके बाद आपने ले लेना है ग्लिसरीन। आपने 1 टीस्पून के करीब ग्लिसरीन इसमें ऐड करना है। और जी आपने 2 विटामिन ई की कैप्सूल ले लेनी है और इन दोनों को आपने इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही आपने 2 व्हाइटनिंग कैप्सूल भी लेनी है। व्हाइटनिंग कैप्सूल लेने के बाद आपने इसे इसमें भी डालकर, यानी कि इसे भी ऐड करके आपने इन सारी चीज़ों को फिर से ग्राइंडर कर लेना है। और जी ये हमारी हो गई है DIY रेड लेंटिल विथ राइस क्रीम रेडी। अब आपने इसे किस तरह से यूज़ करना है, आप अपने फेस को अच्छे से वॉश करके अपने फेस पर टोनर अप्लाई करने के बाद आपने इस क्रीम की एक थिक लेयर अपने फेस पर अप्लाई करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा उलझन होती है कि इतनी ज़्यादा क्रीम फेस पर लगाने से, तो आपने सिर्फ 2 घंटे इस क्रीम को रखना है अपने फेस पर और फिर उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। और अगर आपने रात भर इस क्रीम को लगाना है तो बिल्कुल लाइट सी क्वांटिटी अपने फेस पर आपने अप्लाई करनी है, इसे लगा के सो जाना है। और अगर उलझन हो तो आपने 2 घंटे एटलीस्ट अपने फेस पर रखना है और फिर उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू था मेरा आज का। आप लोग देख सकते हैं कि कितना फ़र्क आया है मेरी इस क्रीम से मेरे को। माशाल्लाह 4-5 दिन से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आप लोग भी इस तरह की क्रीम बनाकर अपने घर पर, और वो भी आसानी के साथ, रिजल्ट के साथ, मैंने आप लोगों को दिखाया है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।